हो राजधानी। पत्रकार साथी, आपका इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से आप लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही उसके बावजूद भी आप लोगों ने अपना वक्त निकाल कर आप लोग यहां पर आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो मकसद है, संघर्ष बचाओ इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति की जानिब से ये पत्रकार परिषद ली जा रही है। आप लोगों को पता है कि कर्नाटक हुकूमत ने हिजाब पर पाबंदी कैबिनेट में लाई, कैबिनेट के अंदर कानून बनाई और कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई और उसके बाद 8 फरवरी को एक कॉलेज में बीबी मुस्कान खान के साथ जो फिरका परस्त तंजीम के नौजवानों ने उसके साथ जो हरकत की पूरे मुल्क ने देखा और मुस्कान खान ने जिस बहादुरी से उन लोगों का मुकाबला की पूरे मुल्क ने मुस्कान खान की तारीफ की, हौसला बढ़ाने का काम किया, चाहे वो दीनी तंजीम हो, सेकुलर सियासी पार्टियां हो, तमाम ही लोगों ने जो बहादुरी का काम उसने फिरका परस्तों से जो मुकाबला की और जो अल्लाह अकबर उनके सामने नारा लगाकर आवाज़ बुलंद करके जो उनका मुकाबला की, पूरे मुल्क ने हौसला बढ़ाने का काम किया और मालेगांव शहर में मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जनरल बोर्ड की मीटिंग में उर्दू घर मुस्कान खान के नाम से तजवीज़ पास किया, ठहराव पास किया। कई लोगों ने उसकी मुखालफत भी की लेकिन अक्सरियत से तजवीज़ पास की गई और हिंदुस्तान में सरकारी इमारत को मुस्कान खान का नाम देने का काम मालेगांव शहर की आवाम ने किया, जनरल बोर्ड के अंदर तजवीज़ पास की गई। उसके दूसरे ही दिन से उनके वालिद से मेरा कांटेक्ट था, उनको हमने मुबारकबाद दी कि एक बहादुर बच्ची आपकी है जो हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में एक बहादुरी का काम की और हमने मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उर्दू घर का नाम आपकी बच्ची के नाम से रखा और मैंने उनको मालेगांव शहर आने के लिए दावत दी कि आप अपनी बच्ची आपके परिवार के साथ आप लोग मालेगांव शहर के अंदर आइए, आपका हम लोग इस्तकबाल करना चाहते हैं मालेगांव शहर की आवाम। और दो दिन पहले हुसैन खान जो मुस्कान खान के वालिद हैं उनसे मेरी बातचीत हुई और मालेगांव शहर की तारीख उन्होंने दिया, 15 मार्च बरोज़ मंगल मालेगांव शहर के अंदर मुस्कान खान और उनका परिवार आ रहा है और शहरी इस्तकबालिया इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति की जानिब से शहरी इस्तकबाल हम लोग देने जा रहे हैं। इसीलिए आज आप लोगों को बुलाया गया ताकि आपके ज़रिए मीडिया के ज़रिए शहर की आवाम को इस बात का पता चले और उसके इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद जगह कहां पर होगी, टाइम कौन सा होगा, इसके लिए हमारी मशवरती मीटिंग है,
भी फौरी तौर पर हम मीटिंग लेकर वो उसकी भी इतला आप लोगों को दे दी जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि मालेगांव शहर की हमारी लड़कियां, औरतें जो हिजाब में रहती है, उसका हौसला बढ़ाने के लिए 15 तारीख को जहां पर भी हम लोग प्रोग्राम रखेंगे वहां पर एक बड़ी तादाद के अंदर आएंगी और शहरी लेवल पर हम लोग इस्तकबाल करेंगे और शहर की लड़कियां, औरतें, लेडीज़ के हाथों से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि तायरा शेख रशीद साहिबा उस प्रोग्राम के सदर रहेंगे और स्टेज के ऊपर जो हमारी जो तैयारी रहेगी वो आप लोगों को बताई जाएगी। जगह स्टेज कहाँ रहेगा, किस तरीके से प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा, वो तमाम ही चीज़ें आप लोगों को बाद में इतला दी जाएगी। इसीलिए आज आप लोगों को बुलाया गया है और इसके अलावा कोई भी बात नहीं थी। प्रेस नोट के ज़रिए भी आपको इतला दी जा सकती थी, बुला के भी दी जा सकती थी, लेकिन ये एक बहुत बहादुरी का काम वो लड़की ने की। इसके लिए प्रेस के ज़रिए जल्द से जल्द आवाम तक बात जाए, ये हमारी कोशिश है और आप लोगों से ये अपील है कि आप वो पूरे प्रोग्राम को कवरेज करने का काम करेंगे। शुक्रिया। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है, हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।